आज हम बनाने वाले हैं ऐसी रेसिपी जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को जब आप घर पर बनाकर खिलाएंगे तो सभी बाजार के नाश्ते खाना भूल जाएंगे। सबसे पहले दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, आलू का छिलका उतार लेंगे। तो ग्रेटर की हेल्प से आलू को कद्दूकस कर लेंगे। दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 कप मैदा डाल देंगे। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसका डो तैयार करेंगे। मैदा की जगह पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। डो बनाकर रेडी कर लिया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अब इसकी बॉल्स बना लेंगे। छोटी छोटी बॉल्स बनाना है। सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। जो बॉल्स रेडी की हैं उन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। सारी बॉल्स डालकर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी बॉल्स डाल दी है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। पलट पलट कर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पलट पलट कर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कट करके डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके डालेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। सभी को चलाकर हल्का सा सॉल्टी कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो सभी चीज़ें हल्की सी सॉल्टी हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे। 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। पिज़्ज़ा सॉस की जगह पर टमाटर सॉस डाल सकते हैं। सभी को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब जो बॉल्स बनाकर रेडी की थी उन्हें डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है और फटाफट से बन जाती है। तो गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। तो आलू से बनी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक बार इस रेसिपी को घर पर सभी को बनाकर खिलाएं। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।